मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा की जानिब से यूक्रेन को 272 बंद गाड़ियां फराहम करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर दिफा अनीता आनंद अचानक यूक्रेन के दौरे पर पहुंच गई। कनाडा की यूक्रेन के अपार्टमेंट की इमारत पर मिसाइल हमले की मुसम्मत। टोरंटो और GTHA के कुछ हिस्सों में फ्रीजिंग रेन की वार्निंग जारी। दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात के करीब पहुंच गया। टोरंटो सिटी की बर्फबारी से निमटने के लिए अपने अमले को तैयार रहने की हिदायत। कनाडा के हुक्मरान जमात लिबरल्स आवाम में अपनी मकबूलियत खोने लगी। सर्वे के मुताबिक विफाकी कंजर्वेटिव को लिबरल्स पर 7 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। कंजर्वेटिव की मकबूलियत दिसंबर से बढ़ रही है। अफगानिस्तान में सर्दी की शदीद लहर, 70 अफराद जाबहक। अफगानिस्तान में बर्फबारी में 8,000 पालतू जानवर भी हलाक हुए। कहीं कहीं दर्जा हरारत -33 तक पहुंच गया। हेलीकॉप्टर हादसे का दर्द नाकाबिले बयान है। यूक्रेन के सदर का कहना है कि ये सानहा जंग का नतीजा था जिसका दर्द नाकाबिले बयान है। हेलीकॉप्टर हादसे पर यूक्रेन ने रूसी मदाखलत का दावा नहीं किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा की जानिब से यूक्रेन को 272 बंद गाड़ियां फराहम करने का ऐलान किया गया है, जबकि कनाडा ने रूसी सफीर को तलब करके यूक्रेन के अपार्टमेंट की इमारत पर मिसाइल हमले की मुजम्मत की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से यूक्रेन को 272 बंद गाड़ियां फराहम करने का ऐलान किया गया है, जबकि कनाडा ने रूसी सफीर को तलब करके यूक्रेन के अपार्टमेंट की इमारत पर मिसाइल हमले की मजम्मत की। वजीर दिफा अनीता आनंद ने बुध को यूक्रेन के कीव के दौरे के मौके पर ऐलान किया कि कनाडा यूक्रेन को 200 कैनेडियन साख्ता बख्तरबंद पर्सनल करियर्स अता कर रहा है। आनंद ने यूक्रेन के वजीर दिफा ओलेक्सी रेजिनकोव के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मुझे फौजी इमदाद के हमारे अगले पैकेज की तस्दीक करते हुए खुशी हो रही है। उनका कहना था कि बख्तरबंद गाड़ियाँ जदीद तरीन बेहतरीन दर्जे की टेक्नोलॉजी पेश करती हैं और उन पर हथियार आसानी से नस्ब किए जा सकते हैं। ये गाड़ियां अहलकारों और सामान की महफूज नकलो हमल के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। आनंद ने कहा कि सेनेटर APCs $90 मिलियन की लागत से मिसिसागा ऑन्टेरियो में वाकया कैनेडियन कंपनी रोशेल से खरीदे जा रहे हैं। पिछले साल मई में कनाडा ने 8 कमर्शियल पैटर्न की बख्तरबंद गाड़ियां और सेनेटर APCs रोशेल से यूक्रेन को फराहम की। रेजिनकोव ने कहा कि मुश्तरका फौजी इमदादी पैकेज उनके जंगजदा मुल्क में फौजियों और शहरियों के दिफा में अहम साबित होगा। मैं कनाडा के लोगों, कनाडा की हुकूमत और बराह रास्त मोहतरमा आनंद का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आनंद क्योंकि इमदाद का ये पैकेज जिसका पहले ही ऐलान किया गया था, ये हमारे लिए इंतहाई अहम है। दूसरी जानिब कनाडा ने रूसी सफीर को तलब करके यूक्रेन के अपार्टमेंट की इमारत पर मिसाइल हमले की मजम्मत की। वजीर खारजा मिलानिया जूली ने बुध के रोज रूस के सफीर को तलब करके यूक्रेन के जुनूब मशरकी शहर डैनप्रो में एक अपार्टमेंट की इमारत पर मिसाइल हमले की मजम्मत की। यूक्रेन के हुक्काम ने बुध को बताया कि हफ्ते की दोपहर के हमले में अब तक 45 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। टोरंटो और GTHA के कुछ हिस्सों में जुमेरात के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। दर्जा हरारत के नुक्ते अंजुमात या उसके आस पास होने से दिन भर बारिश की इकसाम बदलती रहेंगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
टोरंटो और GTHA के कुछ हिस्सों में जुमेरात के लिए मुंजमद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। दर्जा हरारत के नुक्ता अंजुमात या उसके आसपास होने से दिन भर बारिश की इकसाम बदलती रहेंगी। टोरंटो के शुमाल में मौसम सरमा की एक एडवाइजरी नाफिज है, जिसमें जुमेरात को हेलिबर्टन और पेरिस साउंड जैसे इलाकों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की तवक्को है। टोरंटो सिटी ने मौसम सरमा के तूफान की ताज़ाकारी पोस्ट की, जिसमें अमले और साजो सामान को स्ट्रेटेजिक और आला तरजीही मकामात पर तैनात करने के मंसूबों के साथ साथ अमले को नमकपाशी करने की हिदायत की गई है। कौमी मौसमियाती एजेंसी हाईवेज, सड़कों, वॉकवेज और पार्किंग लॉट्स पर इजाफी एहतियात का मशवरा दे रही है, क्योंकि वो बर्फीले और फिसलन हो जाते हैं। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि मौसमी हालात का शहरी इलाकों में सुबह के रश के औकात पर नुमाया असर पड़ेगा, इससे पहले कि मुंजमद बारिश दोपहर तक बारिश या बूंदाबांदी में तब्दील हो जाए। इंतबाह टोरंटो, हैमिल्टन, हॉल्टन, मिसिसोगा, ब्रैम्पटन और डरहम के इलाके के लिए नाफिजुल अमल है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अगर दर्जा हरारत -10 या -20 तक जाता है तो बारिश बर्फबारी में तब्दील हो सकती है, जबकि शहर में 1 से 3 सेंटीमीटर तक बर्फ जमा होने का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत अंजुमात के निशान के इर्द गिर्द मंडला रहा है। माहिरीन का कहना है कि टोरंटो में मुंजमद बारिश से कबल सुबह के औकात में गीली बर्फ नजर आएगी, जबकि शुमाल के इलाकों में इससे जमने वाली बारिश का ज्यादा हिस्सा नजर आएगा। बर्फ के गोले, जमने वाली बारिश और बारिश के सबसे ऊपर हम 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स आवाम में अपनी मकबूलियत खोने लगी है। वफाकी कंजर्वेटिव को लिबरल्स पर 7 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स आवाम में अपनी मकबूलियत खोने लगी है। नैनो रिसर्च के ताज़ा तरीन हफ्तावार बैलेट ट्रैकिंग में वफाकी कंजर्वेटिव को लिबरल्स पर 7 पॉइंट्स की बरतरी हासिल है। 13 जनवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान किए गए 1084 बेतरतीब इंटरव्यूज के मुताबिक अगर आज इंतखाबात होते हैं तो पियर पॉलिवर के कंजर्वेटिव 35.6% वोट हासिल करेंगे, जबकि लिबरल्स को 28.3%, NDP को 20.7%, ब्लॉक को 7.4%, ग्रीन पार्टी को 5.8% और पीपल्स पार्टी को 2.1% वोट मिलेंगे। कंजर्वेटिव की बढ़तरी, जो दिसंबर से मुसलसल बढ़ रही है, अब गलती के मार्जिन से बाहर है और NDP के बैलेट में अपना हिस्सा बढ़ाने के साथ लिबरल्स दोनों तरफ से अपनी हिमायत खत्म कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में नैनोस रिसर्च के बानी निक नैनोस ने उन नंबरों को लिबरल्स के लिए बहुत संगीन करार दिया है। नैनोस का कहना था कि ये लिबरल्स के लिए अपने साल का आगाज करने का सबसे बुरा तरीका है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर अपनी एड़ियों पर वापस आ गए हैं और ऐसा लगता है कि कनाडा के बाशिंदों की एक बड़ी तादाद कदामत पसंदों की तरफ देख रही है। एक और शोबा जहां नैनोस ने कहा कि लिबरल अपने कदम जमा सकते हैं, वो वफाकी रहनुमाओं के बारे में अवामी तासर है। तहकीकी फर्म के ताज़ा तरीन तरजीही PM नंबर्स के मुताबिक जबकि कंजर्वेटिव पार्टी सर्वे में शामिल लोगों में पसंदीदगी हासिल कर रही है, उसके रहनुमा पॉलिवर शुमारियाती तौर पर ट्रूडो के साथ जुड़े हुए हैं। नैनोस ट्रैकिंग में ट्रूडो को 30% कैनेडियंस में वजीर आजम के लिए तरजीही इंतखाब के तौर पर रखा गया है। इसके बाद पॉलिवर 27.5%, सिंह 16.2%, एलिजबेथ मई 4.2% और मैक्सिकम बर्नियर को 2% कैनेडियन शहरियों की हिमायत हासिल है। 16% कैनेडियन इस बात पर यकीन नहीं रखते थे कि वो किसको तरजीह देते हैं। हर हफ्ते नैनोस सैकड़ों टेलीफोन सर्वे के जरिए कनाडा के वोटरों की सियासी सोच की पैमाइश करता है। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रवा माह की 10 तारीख के बाद से दर्जा हरारत तेजी से गिर रहा है। कहीं कहीं दर्जा हरारत -33 तक पहुँच गया और बर्फबारी भी हुई है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रवा माह की 10 तारीख के बाद से दर्जा हरारत तेजी से गिर रहा है। कहीं कहीं दर्जा हरारत -33 तक पहुंच गया और बर्फबारी भी हुई। ना काफी सहूलियात और ना मुनासिब रिहाइश के बायस गरीब आवाम के लिए सख्त सर्दी में जिंदगी बसर करना मुमकिन ना रहा। अफगानिस्तान में सर्दी की शदीद लहर जारी है, जिसमें जान की बाजी हार जाने वालों की तादाद 70 हो गई। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक दहाइयों की मुसलसल जंग के बाद तालिबान के इक्तदार संभालने और मुल्क में मौशी और माली बहरान के शिकार अफगान आवाम को अब मौसम के जबर का सामना है। अफगानिस्तान की वजारत बराए माहौलियाती आफात ने बताया कि अब तक 70 अफराद सख्त सर्दी के बायस इंतकाल कर चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता 8 रोज में हलाक होने वाले पालतू जानवरों की तादाद 70,000 हो गई। तालिबान के इक्तदार संभालने के बाद से आलमी क़ुव्वतों और तंजीमों ने अफगान फंड्स मुंजमद कर दिए थे। फंड्स की किल्लत की शिकार तालिबान हुकूमत ने फंड्स की बहाली का मुतालबा करते हुए कहा था
कि कुदरती आफात से निमटने के लिए फंड्स जरूरी हैं। इससे कबल मानसून में बारिशों के बाद सैलाब में भी अफगान आवाम को काफ़ी मुश्किल का सामना रहा था और रही सही कसर जलजले ने पूरी कर दी थी, जिसमें मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद जाने गई और 1000 घर तबाह हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा भी कुदरती आफात से निमटने, नाकाफी सहूलियात और गुरबत के बायस आलमी क़ुव्वतों से फंड्स की फराहमी का बार बार मुतालबा करती रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव में हेलीकॉप्टर हादसे में 14 अफराद की हलाकत के बाद कहा है कि जंग के वक्त कोई हादसा नहीं होता। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव में हेलीकॉप्टर हादसे में 14 अफराद की हलाकत के बाद कहा है कि जंग के वक्त कोई हादसा नहीं होता। दूसरी जानिब SBU स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने कहा कि वो हादसे की कई मुमकिन वजूहात जानने की कोशिश कर रहा है, जिसमें तख़रीबकारी के साथ साथ तकनीकी खराबी या परवाज़ के कवायद की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे पर यूक्रेन ने रूसी मदाखलत का दावा नहीं किया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को बताया कि ये सानहा जंग का नतीजा था जिसका दर्द नाकाबले बयान है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में हेलीकॉप्टर गिरने से वज़ीरे दाखला, नायब वज़ीरे दाखला, वज़ारत दाखला की आला क़यादत समेत 14 अफराद हलाक हो गए थे। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबराह का कहना था कि वज़ीरे दाखला जंग ज़दा इलाकों के फ़िज़ाई दौरे पर थे कि हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।